पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम का आज का शुमारा लेके हम हाजिर खिदमत हैं। बुधवार है, आज जून 2024 की आज 19 तारीख है और माह ज़िलहिज्जा की आज 12 तारीख है। कल सऊदी अरेबिया में 12 तारीख थी, इसलिए इस साल का जो हज बैतुल्ला का मनासिक थे वो कल अख्ताम को पहुँचे। सऊदी हुकाम के मुताबिक 18,30,000 हजाज कराम ने इस साल हज का फरीज़ा अंजाम दिया। हमारी दुआ है कि सभी हुजाज का हज जो है वो अल्लाह ताला कबूल करें, उनकी नेक दुआओं में हमें अपना हिस्सा अदा करें, आलम इंसानियत के लिए भला हो और पूरी दुनिया एक अमन का गहवारा बन जाए। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में शायद त्रेम ईद और यहाँ पर ईदों का सिलसिला मैं बार बार कहता हूँ कि तब तक हम गिनते रहते हैं कि आज तीसरी ईद है, चौथी ईद है, पाँचवीं ईद है, जित काल जम तिरन कोरन वहाँ ईद साल कारण। तो ये एक ऐसी बात है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है कि ये हमारी सोसाइटी में ये जो एक रस्म बनी हुई है, क्या ये रस्म सही है, गलत है? क्या वो दामाद, वो बेटियाँ उस घर में ऐसे नहीं जा सकते हैं बिला तकल्लुफ़, किसी फॉर्मेलिटी के बग़ैर, और उसके बाद जाएं और वहाँ खुशियाँ ईद की मनाएं? बल्कि हमारे दामाद हजरात अक्सर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर ये उनका रवैया होता है कि जब तक ससुराल में पूरी तरह से कुर्बानी का मीट जो है वो ख़त्म ना हो जाए तब तक वो ईद की दावत कबूल नहीं करते हैं। उसके बाद कहते हैं कोई तो 10 दिन के बाद, कोई 15 दिन के बाद, कोई 20 दिन के बाद। हालांकि अब ससुराल वाले भी बड़े चालाक हो गए हैं, उन्होंने डीप फ्रीजर्स लाए हैं, चाहे दामाद 3 महीने के बाद भी आए तो खाना तो उसको वही पड़ेगा। खैर, आज तीसरी ईद है और आप सबको ईद की मुबारक। आज दोपहर बल्कि सहपहर असर नमाज तक भी हम कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं। जिन दोस्तों ने नहीं किया है उन्हें चाहिए कि अगर वो अभी भी इससे कासिर रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि वो आज असर नमाज से कबल जो है कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दें। और आज के प्रोग्राम में भी दो मेज़बान शर्फ मेज़बानी हासिल कर रहे हैं प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए। मैं रहूंगा आपके साथ आपका मेज़बान जावेद और मेरा साथ निभाएंगे मेरे छोटे भाई अशफाक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? रही आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, शुक्र। माशाल्लाह बच्चों की ही होती है ज़्यादा, आप अभी छोटे हो, बच्चे हो और एक चहल पहल होती है बच्चों की ईद के हवाले से, सही बात है, तैयारियां भी होती हैं। सही बात है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, शॉपिंग आती है और अलग अलग तरह के पकवान होते हैं उनमें शामिल होना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और दावत का जो आपने जिक्र किया, हमारे साथ तो अभी वो मामला है नहीं आने वाला। नहीं, मुझे मैं ज़ाती तौर पर कहूँगा कि पिछले 18-19 साल से मेरी शादी हो चुकी है, 19 साल में मैं एक बार भी ईद की दावत पर नहीं गया हूँ। अच्छा, और आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ और आपसे वादा भी लूंगा आज प्रोग्राम में ही कि इंशाल्लाह जब आपकी शादी होगी तो आप ये रस्म जो है, इस रस्म को नहीं तो, जाने में कोई हर्ज नहीं, आप जाइए, लेकिन ये खातिरदारी कराना, फिर वहाँ पे वाजवान का, ये बेचारे जो ये होते हैं ससुराल वाले तिमन छुप बारिया लाइट गोबान थी, ये तिमासन ने बेचार है काम वही नस्पत कोई हिंद एज मूजब, या ऐसे जो सोसाइटी में हमारी ये रसूम बन चुकी हैं तो उस हिसाब से वो कह नहीं पाते हैं, लेकिन
हमें अंदाजा ये करना है कि अगर हम 10 साल 15 साल 20 साल के बाद भी उस घर को अपना नहीं रहे हैं, उस घर को अपना घर समझ के वहाँ बिला तकल्लुफ जा नहीं सकते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी में ये एक प्रॉब्लम है, इसका तदारुक करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है ज़ाती तौर पर से आजकल के हमारे जो नौजवान हैं उनमें काफ़ी सारा ये सुधार आ गया है, बदलाव इस चीज़ में आ गया है। और मुझे एक अंग्रेजी कोट आपकी बात पे याद आ गई, मैं उसको शामिल प्रोग्राम करना चाहूँगा और अपने नाजरिन को भी बताना चाहूँगा। एक अंग्रेजी कोट है जिससे मैं काफ़ी मुतासर हुआ था इससे पहले जब मैंने वो पढ़ी थी, वो थोड़ा इससे रिलेटेबल है। लिखते हैं कि रेस्पेक्ट इज़ फॉर दोज हु डिजर्व इट, नॉट फॉर दोज हु डिमांड इट। तो चीज़ें डिमांड नहीं करती, बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो बेहतर है कि आप कोशिश करें वैसा बनिए, आपको खुद वहाँ से दावत आएगी, बिल्कुल बिल्कुल, और वो लगन से आएगी, दिल से आएगी, वो इस चीज़ से नहीं आएगी कि स्वास्थ्य बनी मत स्वरा समा करना है मैं लेजमी करूँ वेंगे से मुझसे नाराज कर। चलो एक रस्म अभी हम निभा रहे हैं, अभी हमारे प्रोग्राम में एक कमर्शियल ब्रेक, एक तजारती वक्फे का वक्त हो चला है। इस तजारती वक्फे पर जाने के बाद जो है हम आपकी मुलाकात आज की खास मेहमान शख्सियत से कराएंगे। आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग चैन के। बहुत खूबसूरत दारुल अमान टूर एंड ट्रैवल्स हर जुमरा ज़ियारत टूर ऑर्गेनाइजर, यहाँ पे आपको सारी ज़ियारतें कराई जाती है, तो राबिता करे दारुल अमान बट कम्प्लेक्स नवाटा श्रीनगर, कॉन्टैक्ट नंबर 9797224715। प्रोपराइटर अल्ताफ अहमद बेग की तरफ से अहले उम्मा को ईद मुबारक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के, और फिर एक और मरतबा आप सभी देखने वालों को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाजरीन मोहतरम, आप जानते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में मौसम के हाल चाल पहुँचाते हैं। श्रीनगर में आज और जम्मू में भी आज मतलब साफ रहेगा और दोपहर के बाद मौसम में थोड़ा बदलाव आएगा, तो हल्की फुल्की कई जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। श्रीनगर का दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस, जम्मू का ज़्यादा से ज़्यादा 44 डिग्री सेल्सियस, वहीं कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है। शहरों के हवाले से बताता चलूं कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है, बड़ी गाड़ियों को भी दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है, बड़ी गाड़ियों को सोनमर्ग से करगिल की ओर रवाना किया जाएगा। और मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है, वहीं बड़ी गाड़ियों को पूंछ से शोपियां की ओर रवाना किया जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दस्तयाब है, इनसे राबता कायम करें और सोशल मीडिया हैंडल से भी ताज़ा तरीन इतलात मौसूल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, जरूर मालूम नहीं ये सब मौसम और सड़क के हवाले से हमारे नाजरीन जो हैं वो इंतज़ार में रहते हैं कि क्या हालात रहेंगे आजकल, क्योंकि यहाँ मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता है कब मौसम बदल जाए, और ये सब चीज़ें जो हैं ये इम्कानात होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया तो हो गया। एक कुदरत है, कुदरत का निज़ाम है, जिसके हवाले से जो साइंस है वो अंदाज़ा लगाती है कि ऐसा मुमकिन है, ऐसी पेशगोई हुई है। बहरहाल एक मशहूर गजल का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। ये शेर मैंने इसलिए कहा, अर्ज किया आपकी खिदमत में कि हमारे जो बच्चे होते हैं, बच्चों की जैसे मैं भी कह रहा था अशफाक को भी कि बच्चों की ईद बड़ी देखने लायक होती है, बच्चों के जो उनकी खिलकारियाँ, बच्चों की नशोनुमा, बच्चों का हंसना खेलना, बच्चों का खेलना कूदना, तो ये सब चीज़ें जो हैं बच्चे घर की रौनक होते हैं। लेकिन एक मसला ये है कि बच्चों में इनबॉर्न कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कोई बच्चे कम बोलते हैं, कोई बच्चे गुमसुम रहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें आसपास की कभी खबर ही नहीं होती है, और ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में, क्योंकि जैसे हाथ में 5 उंगलियां हैं एक जैसी नहीं है, तो बच्चे भी अपनी अपनी जुदागाना सलाहियतों के साथ अल्लाह ताला उन्हें भेजता है हमारी दुनिया में, और बाद में ये जो हम अपनी मर्जियाँ थोपते रहते हैं बच्चों पर, कभी बच्चे में कोई इशू है लेकिन हम चाहते हैं कि वो माँ बाप का ख्वाब पूरा करें, माँ बाप डॉक्टर नहीं बन सके तो नहीं बच्चे को बनना है, चाहे उसमें सलाहियत है नहीं है, माँ बाप कुछ के अधूरे सपने होते हैं, ख्वाब होते हैं जो वो बच्चों के जरिए पूरा करना चाहते हैं, ख्वाब देखना उन्हें पूरा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपके बच्चों में वो एबिलिटीज़ हैं भी कि नहीं हैं,
आपके बच्चों में कोई ऐसा मसला तो नहीं है जिसे जिसका तदारुक करना ज़रूरी है, जिसे आइडेंटिफाई करना, जिसे एड्रेस करना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जो हैं एक स्पेशल एजुकेशन और लर्निंग डिसेबिलिटी के जो मामलात हैं इन पे हम आज मुफस्सल बात करेंगे। हमारी खुशनसीबी है, हमारी खुशबख्ती है कि मुल्क की एक मुमताज़ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, जामिया मिलिया इस्लामिया, वहाँ की एक प्रोफेसर जो है वो आज हमारी प्रोग्राम की जीनत बनी हुई हैं, डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर इरम नासिर साहिबा, जो बनफ्स नफसी आज तशरीफ आवर हुई है हमारे प्रोग्राम में। और डॉक्टर इरम का तारुफ हम क्या ही दें, ये एक ऐसी शख्सियत है जिनकी जिन्होंने बहुत सारा काम किया है लर्निंग डिसेबिलिटी के हवाले से, बच्चों की स्पेशल एजुकेशन के हवाले से, और कश्मीर के साथ इनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो ताल्लुक क्या है, पहले हम इनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो हमारी दावत कबूल किया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ आवर हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिनों के लिए ही आप कश्मीर आए लेकिन हमारी दावत पे आप प्रोग्राम में ये घंटा हमारे साथ हैं, और हम चाहेंगे कि इस एक घंटे का लम्हा लम्हा जो है वो हम कारामत बातों में गुजारें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उन तक वो पहुंचाएं। लेकिन उससे पहले मुख्तसरन लोग जानना चाहेंगे कि डॉक्टर इरम नासिर का ज़ाती तारुफ क्या है, आपका ताल्लुक कहाँ से है और कश्मीर से क्या ताल्लुक है, वो भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस फोरम पर इन्वाइट करने के लिए। और बहुत सालों से मैं इंतज़ार में थी कि कुछ मुझे ऐसा फोरम मिले जहां मैं अपनी बात, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ जो श्रीनगर की आवाम है उनके साथ मैं शेयर कर सकूं। बहुत खूब, तो शुक्रिया आप लोगों का बहुत। श्रीनगर की आवाम ही नहीं, इस प्रोग्राम को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुल्क और मुल्क के बाहर भी देखा जाता है, पूरे स्टेट की आवाम को मैं अपनी बात पहुँचाना चाहूँगी, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने यहाँ पर रहकर एक्सपीरियंस किया है, देखा है, तो ज़रूर हम उन पर बात करेंगे। और आपने मुझसे कहा मैं अपना तारुफ दूँ, तो मेरा तारुफ है, मेरा नाम जैसे आपने बताया डॉक्टर इरम नासिर जी। मेरी पैदाइश और मेरी अपब्रिंगिंग दिल्ली से है और पढ़ाई मेरी पूरी जामिया मिलिया इस्लामिया, जो मेरी हायर एजुकेशन है वो जामिया मिलिया इस्लामिया से हुई है। जामिया मिलिया इस्लामिया से मेरा एक बहुत खास ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है जी। इस यूनिवर्सिटी से मुझे बहुत कुछ मिला है, माशाल्लाह, बहुत कुछ, मेरा कैरियर, मेरी लाइफ, जो मैं आज यहाँ पर आप सब लोगों के सामने हूँ, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माय यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में है। उसके बाद मैंने बीएड स्पेशल एजुकेशन और माय स्पेशलाइजेशन इज लर्निंग डिसेबिलिटी, एमएड स्पेशल एजुकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी जामिया से की है। और उसके बाद मैंने अपनी पीएचडी भी जामिया मिलिया इस्लामिया से लर्निंग डिसेबिलिटी। टाइम कितना मिला आपको इसके बगैर, आपने मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के बगैर कुछ किया नहीं आपने। देखिये सब कुछ साथ चलता है, पढ़ाई, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, हम सब कुछ एक साथ चलाते हैं। तो वो एक, और क्योंकि मैं पेशे से एक टीचर हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ वहाँ पर, 2008 से वहाँ पर मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। तो टीचर तो बहुत कुछ सीखता है, करता भी है, उसका काम ही है वो एज ए फैसिलिटेटर, एज ए कैटलिस्ट वो सोसाइटी के लिए रोल मॉडल काम करता है, एज ए रोल मॉडल। जानेंगे, आपको रोकना नहीं चाहते थे। पहले इनसे जो ताल्लुक हमने पूछा कश्मीर के साथ, ताल्लुक जो है आपका जी कश्मीर से, मेरा ताल्लुक है कि 2003 में मेरी शादी कश्मीर में हुई है, मेरे हस्बैंड कश्मीर बेस्ड हैं, तो साल में एक बार जब भी छुट्टियां मिलती हैं तो मैं यहाँ पर जरूर आती हूँ। तो ये मेरा, ये तो हमारे लिए खुशकिस्मती है, इट इज माय होम। कश्मीर की बहू हैं आप जी, बिल्कुल, कशिर नौश। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत खूब अच्छा। आपको कशिर छु तगान थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ना क्या, थोड़ा थोड़ा है का समझे, बेशु करा थोड़ा थोड़ा, बेसिक कम्युनिकेशन है का करे। ये सब चीजें बड़ा अच्छा लगता है ना, जब कोई हम यहाँ पे बात करते रहते हैं प्रोग्राम में कि जब हम अपनी लैंग्वेज को
प्यार ना करें, उसे अपनाएं नहीं। तो जैसे मतलब आप की जुबान मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी आपने कश्मीर के साथ जो ताल्लुक है तो उसको आपने बहुत गहरा कर दिया कि आप कश्मीरी जुबान भी सीख गई, हल्की सी ही सही, इसमें जो रवानी है वो आ जाएगी वक्त के साथ साथ, बिल्कुल आ जाएगी। और अगर मुझे मौका मिलता कि मैं बहुत टाइम अगर कश्मीर में रहती तो शायद मैं आप लोगों जैसी कश्मीरी आज बोल रही होती, बट मैं कुछ दिनों के लिए आती हूँ तो उसमें मुझे काफी एक्सपीरियंस होता है। मुझे लगता है कि वो बहुत ही काबिल तहसीन है जितना भी आपने सीखा है, और ये एक सीख है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे अपने घरों में अपने बच्चों को कश्मीरी बोलने के लिए एनकरेज नहीं करते हैं, उनके लिए एक चश्मपोशा हकीकत है। नाज़रीन, एक छोटे से तजारती वक्फे के लिए रुकते हैं, वक्फे के उस पार आएंगे तो आपके साथ जो आज ये हमारी मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर इरम नासिर, इनके साथ सिलसिले कलाम जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग जेएंडके। कश्मीर एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के, और जैसा कि इस कमर्शियल में भी कश्मीर की मेहमान नवाजी का बड़ा जिक्र था, कश्मीर की मेहमान नवाजी तो आपने भी देखी होगी जी। और हमने आपके लिए और हर मेहमान के लिए हम नून चाय का इंतज़ाम रखते हैं, और इसके अलावा ये जो कश्मीरी समावार है ये इसके साथ भी आप बिल्कुल वाकिफ होंगी, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जी। और इसके अलावा यहाँ का कि जो मौसीकी है, यहाँ का जो तमद्दुन है, तहजीब है, उससे भी लोगों को बड़ी रगबत है, बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, और बड़े शौक से सुनते हैं कश्मीरी म्यूजिक। और ईद के दिनों में हमारी एक ये होती है, इस प्रोग्राम की एक रिवायत है कि ईद के दिनों हम कश्मीरी रुफ जो है, ईद रुफ, तो वो हम पहुंचाते हैं लोगों तक। आज आप यहाँ आई हैं, तशरीफ लाई हैं, तो आज आपको भी सुनाएंगे और हमारे नाज़रीन के लिए भी पेश खिदमत है ये कश्मीरी रुफ। और उसके बाद जो है आपके साथ हम उन मौजूआत पे बात करेंगे जिनका जिक्र हमने प्रोग्राम में के आगाज में किया था। नाज़रीन, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग जैन के, ये कश्मीरी रुफ से आप लुत्फानंदोज हो जाइए, उसके बाद आज की हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर इरम नासिर, उनके साथ सिलसिला कलाम जारी रहेगा।
चाहिए। जी नाजरन मोहतरम, ईद की गर्म जोशियों के साथ आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जैन के। और नाजरन मोहतरम, आप जानते हैं कोई ना कोई खास मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं। आज जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा ये है माहिर तालीम मोहतरमा डॉक्टर इरम नासिर, प्रोफेसर है जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी में। और मैम, आपसे जो सिलसिला कलाम है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है इंशाल्लाह। आगाज़ में आपने चूंकि यूनिवर्सिटी के बारे में जिक्र किया, वहीं से थोड़ा इस सफ़र को आगे ले जाएंगे कि किस तरह से अपनी तालीम वहाँ पे मुकम्मल हुई और फिर उसके बाद जो वहाँ की फैकल्टी है वो किस तरह से काम करती है। देखिए, वहाँ बहुत डेडिकेटेड फैकल्टी है। सबसे पहले तो मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में बताऊँ। क्रेज होता है वहाँ पढ़ना। एग्जैक्टली, बहुत क्रेज होता है। एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल लेवल पर, उसकी अपनी एक पहचान है और हर एक इंसान की तमन्ना है कि वो किसी न किसी तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़े किसी न किसी तरीके से वो जुड़े, क्योंकि बहुत लोग हमें पूछते हैं कि क्या तरीका है यहाँ पर एंट्री का। और बच्चे बहुत बात करते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में हम किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो वी हैव अ नंबर ऑफ कोर्सेज देयर। वी हैव 8 इम्पॉर्टेंट फैकल्टी। सोशल साइंसेज के कोर्सेज हैं, ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज हैं, एजुकेशन के कोर्सेज हैं, नेचुरल साइंसेज के कोर्सेज हैं वहाँ पर, BDS है, कुछ मेडिकल कोर्सेज भी शुरू हैं। और अभी प्रेजेंटली वी आर वर्किंग ऑन और प्रेजेंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से तैयारियां चल रही हैं, वहाँ पर मेडिकल भी स्टार्ट होने वाला है। तो एक आध साल में इंशाल्लाह वो भी हमारे बच्चों के लिए एक बड़ा दायरा होगा जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़ने का। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ। माशाल्लाह, मेरा डिपार्टमेंट, उसको डिपार्टमेंट का नाम है टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो वहाँ पर हमारे जो प्रोग्राम्स हम ऑफर करते हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, दैट मीन्स बी एड इन बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो हमारे यहाँ 3 BEd प्रोग्राम चलते हैं। BEd जर्नल, जो ज्यादातर सभी को पता है, एक हमारे यहाँ ऑफर होता है BEd नर्सरी एजुकेशन, और एक है BEd स्पेशल एजुकेशन, जिससे मेरा ताल्लुक है। स्पेशल एजुकेशन के साथ। तो BEd स्पेशल एजुकेशन में हम 2 स्पेशलाइजेशन में BEd ऑफर करते हैं, एक लर्निंग डिसेबिलिटी और एक विजुअल इम्पेयरमेंट। तो स्पेशल एजुकेशन में हमारा बैचलर प्रोग्राम भी है BEd और MEd भी है, प्लस PhD इन ऑल एरियाज फील्ड में। तो आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर साहिबा के, जहाँ जब प्रोग्राम के आगाज में मैंने अर्ज किया कि ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, एक तो ये हो गया कि स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, जैसे आपने अभी कहा कि कोई बिनाई से महरूम है, कोई गोयाई से महरूम है, कोई कुवज समाज से महरूम है, कोई चलने फिरने में दुश्वारी है, ये डिसेबिलिटीज तो वो डिसेबिलिटीज हैं जिनको हम देख सकते हैं, भांप सकते हैं आराम से। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे जिसमें सर फहरिस्त ऑटिज्म है, या ऐसी कोई चीज़ है कि बच्चा बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, पढ़ता है, खेलता है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है, लेकिन या तो पढ़ाई में दिल नहीं लगता, या वो पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर रहा, या फिर किसी खास सब्जेक्ट में उसका रुझान है ही नहीं, जिसे आपकी जुबान में मैं समझता हूँ कि लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जा सकता है। तो शुरुआत हम करेंगे ऑटिज्म से, क्योंकि ऑटिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम ही हम कहेंगे है कि जिसमें सबसे बड़ा इशू पेरेंट्स हैं, जो डिनाइल मोड में होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 साल तक वो मानते नहीं है कि हमारे बच्चे को कोई इशू है। उसके बाद जब वो मानने पे आमादा हो जाते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है, इलाज जो है मिलने में या उनकी गाइडेंस करने में, काउंसलिंग करने में बहुत वक्त गुजर जाता है। तो थोड़ा सा हम आराम आराम से इन चीजों पर बतदरीज बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम ऑटिज्म से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये विदिन 3 ईयर्स हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर पेरेंट्स या जो भी बच्चे के केयर टेकर्स हैं, वो जो बच्चे के अर्ली इंडिकेटर्स हैं उन पर हम ध्यान दें, ठीक है। ऑटिज्म की पहचान क्या होती है कि बच्चे जो हैं वो आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं, है ना। उनका रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, एक ही बात को वो रिपीट करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इमोशन शो नहीं करते। तो ये कुछ अलार्मिंग चीजें हैं जो हम
बहुत पहले से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है और जो आपने कहा डिनायल मोड में है, पेरेंट्स अपने बच्चों की इन जो माइलस्टोन है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, उन पर उतनी तवज्जो देते नहीं है जितनी उनको देनी चाहिए। है ना, जैसे हम सभी को पता है कि किस एज में बच्चा जो है वो चलना चाहिए, बोलना चाहिए, किस एज में वो उसको बैबलिंग होनी चाहिए, तो क्या वो बच्चा वो माइलस्टोन टाइमली अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा। इन छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब ये क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो बच्चे की लिसनिंग स्किल्स, उसकी स्पीकिंग, क्योंकि ये एक जो लैंग्वेज का कंपोनेंट है, इसको हम LSRW कहते हैं, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। अगर बच्चा लिसनिंग के माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है तो स्पीकिंग भी करेगा, स्पीकिंग लिसनिंग और स्पीकिंग जब डेवलप होगी तो आगे चलकर रीडिंग राइटिंग भी करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो ऑटिज्म जो है इसमें ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, है ना, लेकिन ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसके अननोन कॉजेज होते हैं, बहुत सारे केसेस में हमें पता नहीं चलता कि क्या कॉजेज हैं, क्योंकि न्यूरोबायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जेनेटिक कॉजेज होती हैं, कहीं पर कुछ एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स की वजह से भी ये होता है, प्रीनेटल या पोस्टनेटल या न्योनेटल कॉजेज भी कुछ होते हैं, जो जिस वक्त बच्चे का बिल्कुल डेवलपमेंटल पीरियड है उस टाइम पे किसी वजह से ब्रेन इंजरी अगर हुई है तो वो रीजन हो सकता है, कुछ वजूहातों की वजह से बच्चा किसी डिसेबिलिटी का शिकार हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें जो समझने की बात है वो ये है कि एटीट्यूडनल चेंज की जरूरत है, है ना। अब हम इन टर्मिनोलॉजीज को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, डिसेबिलिटी हम कह रहे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो अगर हम ये कह रहे हैं तो यहाँ पर एक हम एटीट्यूडनल चेंज यहाँ पर देख रहे हैं कि हम स्पेशल नीड पर हम बात स्पेशल नीड वाला लफ्ज जो है हमारे जहन में पाइवस्त होना चाहिए। एग्जैक्टली, और चिल्ड्रन पहले है, है ना, कि पहले वो बच्चा है, उसके बाद उसकी कोई नीड है, कोई डिसेबिलिटी है, कोई एबिलिटी है, जी जी जी, है ना। तो हमें पहले बच्चे के जो भी राइट हैं उस पर हमें ध्यान देना है, और राइट टू एजुकेशन 2009 में सबको मिला है कि पढ़ने का अधिकार सबको है, आईनी हक है जो हर बच्चा जिसका हकदार है। और बच्चों के हवाले से जो ये अहम बातें हैं ऑटिज्म के अलावा, जो लर्निंग डिसेबिलिटी जो आपका बिल्कुल स्पेशल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी है, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे डॉक्टर इरम नासिर साहिबा। एक छोटे से तजाते वक्फे के लिए रुकते हैं नाज़रीन, वक्फे के उस पार आएंगे तो हमारी आज की जो मेहमान हैं उनसे हम सिलसिले कलाम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग जैन के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। I have a dedicated relationship manager for personalized banking. आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI. जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग, तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। इस्तकबाल आप सभी देखने वालों का। नाज़रीन मोहतरम, तीसरी ईद बड़े जोश व खरोज के साथ मना रहे हैं, और जैसा कि आगाज़ में बात कर रहे थे कि बच्चों की वजह से ही ईद नज़र आती है, और बच्चों के हवाले से आज खास मौजू को हमने मुंतखब किया है, चूँकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी स्पेशल एबिलिटी की वजह से तालीम में कहीं ना कहीं कोताही करते हैं, पर उस पर तो काम होता है, उस पर अलग अलग तरीक़ेकार है, और इसी हवाले से आज हमने एक खास मेहमान को यानी माहिर तालीम को अपने प्रोग्राम में दावा दी है। यह मोहतरमा डॉक्टर इरम नासिर साहिबा, जो जयमे मिले इस्लाम यूनिवर्सिटी में और एक प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे हैं। और मैम, चूंकि हम इसी हवाले से बात कर रहे थे, ऐसे पहले तो मेरे पास दो सवाल है, बट मैं थोड़ा सा इसको एक साथ टच करने की कोशिश करूँगा, फिर उसी हिसाब से जाइएगा। सबसे पहले
पेरेंट्स को क्या चाहिए कि वो किस तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, जब उनको पता चला कि मेरे बच्चे में कोई चीज़ ऐसी है, उसको फिर एक्सेप्ट करना पहले सबसे बड़ी ज़रूरी बात होती है, और उसके बाद इस चीज़ को कोप अप कैसे करें, जो भी लर्निंग विद डिसेबिलिटीज़ होती है वो फिर कैसे उस पर काम करेंगे। एग्जैक्टली, देखिए बच्चों की लाइफ में सबसे बड़ा रोल माँ बाप का होता है, ठीक है, और अगर माँ बाप को अपने बच्चे में किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी दिख रही है तो हमें सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस है ना, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस के बाद फिर हमें एक्सप्लोर करना है कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है जी। तो उसके लिए बच्चे का प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए है ना, तो उसके लिए हमें मदद लेनी है साइकोलॉजिस्ट की, डॉक्टर्स की, जो भी प्रोफेशनल्स हैं जो फील्ड में अटैच हैं, जो इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उनसे हमें इनका असेसमेंट कराना है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे आप लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, बार बार लर्निंग डिसेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसके सिम्टम्स जो हैं वो दूसरी डिसेबिलिटी के साथ में भी ओवरलैपिंग है, है ना। जैसे माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों में भी कभी कभी वही सिम्टम्स दिखते हैं जो हमें लर्निंग डिसेबिलिटी में दिखते हैं, तो प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी है उन बच्चों की जो स्पेशल नीड्स हैं, उनकी एजुकेशनल नीड्स विल बी डिफरेंट, जो एक ऑटिस्टिक बच्चे की एजुकेशनल नीड्स उसकी डिफरेंट है, एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा है उसकी एजुकेशनल नीड्स बिल्कुल डिफरेंट है, एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है उसकी एजुकेशनल नीड्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो प्रॉपर डायग्नोसिस है वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, और खास तौर पर लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ, अभी हम इस पे बात करेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी को समझना इतना जरूरी और चैलेंजिंग क्यों है, जी जी प्लीज, है ना। क्योंकि देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या है कि नॉर्मली हम समझते हैं कि हम सबको लर्निंग डिसेबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो देयर शुड बी एन इम्पेयरमेंट के बॉडी लेवल पर कोई माजूरी होगी, लेकिन जैसे जावेद साहब आप बात कर रहे थे कि ये वो बच्चे हैं जो अपेरेंटली इनमें कोई डिसेबिलिटी दिखती नहीं है। तो डिसेबिलिटी है कहाँ? तो सबसे बड़ा चैलेंज लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ ये आता है, पेरेंट्स की भी एक्सेप्टेंस नहीं होती है क्योंकि हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बात, और हम ब्लेम करते हैं बच्चे को ही कि बच्चा नोटोरियस है, वो पढ़ना नहीं चाहता, सख्ती करते हैं। एग्जैक्टली, तो ये परेशानी इन बच्चों के साथ होती है। और क्योंकि इसमें अब मैं आपको समझाती हूँ कि लर्निंग डिसेबिलिटी बेसिकली है क्या, जी जी प्लीज, है ना। ये क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी डिसऑर्डर्स हैं इन साइकोलॉजिकल प्रोसेसिंग, है ना। तो हमें ये समझना है कि हम सीखते कैसे हैं, है ना, हमारी अपनी लर्निंग कैसे होती है। जी। हमारी लर्निंग होती है जब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं, हम फोकस करते हैं, हम उस इंफॉर्मेशन को हम परसीव कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको मेमोराइज कर रहे हैं। लेकिन इन बच्चों में क्या है, इन्हीं प्रोसेसेस में डिसऑर्डर होते हैं, है ना। दे कैन नॉट परसीव द इंफॉर्मेशन एज द वे वी एज अ नॉर्मल पर्सन कैन, एग्जैक्टली, है ना। और वो इस वजह से होता है क्योंकि इनका जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंटली वायर्ड है, क्योंकि स्टडीज ये बताती हैं कि जो एक नॉर्मल ब्रेन है और एक डिसलेक्सिक बच्चे का या लर्निंग डिसेबल बच्चे का जो ब्रेन है वो डिफरेंट है, दे आर वर्किंग डिफरेंटली, देयर अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट। इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से प्रोसेस, प्रोग्रामिंग ही हम कह सकते हैं, एग्जैक्टली, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, हमें कहीं किसी नए रूट पे जाना है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जीपीएस ऑन करते हैं और हम जाते हैं, तो वी नीड के वी हैव टू फॉलो दिस रूट, दिस रूट, ट्रू, है ना। लेकिन इनके साथ क्या होता है कि कहीं पर इंफॉर्मेशन, क्योंकि ब्रेन की वायरिंग अलग है ना, डिफरेंटली वायर्ड ब्रेन है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं पर जाकर ब्लॉक हो जाती है। ओके, तो फिर दिमाग क्या करेगा, क्योंकि ब्रेन तो है और इट इज अ इंटेलिजेंट ब्रेन, जो लर्निंग डिसेबल बच्चों का ब्रेन है वो बहुत इंटेलिजेंट ब्रेन होता है, है ना। तो वो क्या करता है, वो डीरूट होता है इन्फॉर्मेशन को, वो किसी और गूगल भी नचा देता है, एग्जैक्टली, है ना। तो क्या होता है, हम अपने डेस्टिनेशन पे तो पहुंचते हैं बट इट टेक्स लॉन्गर टाइम, वही इन बच्चों के साथ होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। और ये चीज भी कह सकते हैं कि सलाहियत सेम है, मंजिल सेम है, हाँ मंजिल सेम है, वो उस इन्फॉर्मेशन को रास्ते जुदा है, एग्जैक्टली, प्रोसेस करते हैं बट इट टेक्स लॉन्गर टाइम, उनकी जो प्रोसेसिंग है वो डिफरेंट है। तो इसलिए लर्निंग डिसेबिलिटी को हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड डिसेबिलिटी, है ना। बेसिकली ये लैंग्वेज बेस्ड डिसऑर्डर है, क्योंकि
जो हमने प्रोसेसिंग की बात की कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. और इन बच्चों में वो लैंग्वेज उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाती जैसे और नॉर्मली सभी बच्चों में होती है. इसके वजूहात क्या होते हैं? कभी कभी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जेनेटिक कॉजेज होते हैं, ठीक है. न्यूरोबायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मैंने कहा कि ब्रेन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक है. कुछ एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स होते हैं, कभी कभी प्रीनेटल, न्यूनेटल और पोस्टनेटल कॉजेज होते हैं, कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जिसकी वजह से ब्रेन उस तरह से डेवलप नहीं हो पाता जैसे नॉर्मल एक ब्रेन का डेवलपमेंट होना चाहिए. तो लर्निंग डिसेबिलिटी में बेसिकली हम तीन बातों पर फोकस करते हैं. इनका एक आईक्यू लेवल जो है वो हमेशा एवरेज और अबो एवरेज होगा. कभी कभी ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, गिफ्टेड बच्चे भी होते हैं, बट स्टिल दे हैव डिसऑर्डर इन प्रोसेसिंग प्रोसेसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस. एक तो आईक्यू हो गया, एक आईक्यू है. आईक्यू तो इनका हमेशा बहुत अच्छा होता है. तो हमारा जो क्राइटेरिया है इनको आइडेंटिफाई करने का वो यही है कि आईक्यू लेवल इनका बेहतर है बट स्टिल दे आर नॉट अचीविंग एज पर द क्राइटेरिया ऑफ स्कूल और टीचर्स, जो भी हमारा इवेल्युएशन क्राइटेरिया है. तो उसकी वजूहात वही होती है. दूसरा है कि इनका जो डिसऑर्डर है वो प्रोसेसिंग, साइकोलॉजिकल प्रोसेसिंग में डिसऑर्डर होना चाहिए. दैट मींस कि या तो परसेप्चुअल डेफिसिट्स हैं, मेमोरी डेफिसिट्स हैं, अटेंशन डेफिसिट्स हैं, है ना, कुछ इस तरह के डेफिसिट कहते हैं ना, ये खोए रहते हैं. और तीसरा है इनका जो न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, क्योंकि हम जब भी डिसेबिलिटी की बात करते हैं हम इम्पेयरमेंट की बात करते हैं. इनका इम्पेयरमेंट कहाँ है? न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है, है ना, कि जो प्रॉब्लम है वो हिडन है. इसलिए हम लर्निंग डिसेबिलिटी को हम हिडन डिसेबिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि अपेरेंटली ना तो इनमें विजुअल इम्पेयरमेंट है, ना हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, ना मेंटल रिटार्डेशन, बाहर से नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल दिख रहा है. तो पेरेंट्स की, स्कूल की एक्सपेक्टेशंस इनसे बहुत ज्यादा होती हैं. सही बात है, है ना, क्योंकि जब अपेरेंटली हमें कोई डिसेबिलिटी नहीं दिख रही तो हम कहते हैं कि नहीं, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता. लेकिन उसके अपने चैलेंजेस हैं, क्योंकि वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको वो रिवर्सिबिलिटी है. वो हम उसको बैट पढ़ा रहे हैं, वो उसको टैप पढ़ रहा है. तो हम कह रहे हैं ना, तुम पढ़ नहीं रहे. हम टीचर्स भी उसको डांट रहे हैं, पेरेंट्स भी. हाँ, वो पढ़ रहा लेकिन है, वो अपने हिसाब से पढ़ रहा है, अपने हिसाब से पढ़ रहा है. कभी कभी ये लोग मिरर रीडिंग करते हैं, ये ओमिशन कर देते हैं, मतलब पढ़ते पढ़ते ये बीच के जो लव्ज हैं 1, 2, 4 पढ़ेंगे, 3 छोड़ेंगे, वो छोड़ देंगे. तो फिर क्योंकि इंटेलिजेंट ब्रेन है तो ये क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को खुद से फिल करने की कोशिश करते हैं, है ना. आपने देखा भी होगा जैसे जो आमिर खान की मूवी है तारे ज़मीन में, जो वो बच्चा था, उसने बहुत अवेयरनेस क्रिएट की. ईशान तो उसने, उस बच्चे की जो प्रॉब्लम थी वो डिसलेक्सिया थी. सही बात. डिसलेक्सिया इज इनेबिलिटी टू रीड. बच्चे को रीडिंग बेस्ड डिसेबिलिटी होती है कि वो वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता. फोनिक्स बेसिकली रीडिंग क्या है कि रीडिंग में हम साउंड सिस्टम समझ रहे हैं. ए है तो ए की साउंड अ है, बी है तो बी की साउंड ब है, है ना. तो अगर हमें बैट बोलना है तो बैट के लिए हमें कौन कौन से तीन लफ्ज जो है जोड़ने कौन से जोड़ने हैं, है ना. लेकिन इनमें क्योंकि प्रोसेसिंग प्रॉब्लम है, फोनोलॉजिकल डिफिकल्टीज आती हैं, तो ये वो नहीं समझ पाते. इंडिविजुअल साउंड ही समझेंगे, लेकिन जब इनको पूरा एक लफ्ज बनाना है वो बनाने में इनको डिफिकल्टी आती है ना. तो इस तरह के चैलेंजेस बच्चा बच्चा जो है, बच्चे में अल्लाह ताला ने अपने हिसाब से हर बच्चे में सलाहियतें दी होती हैं. हर बच्चा स्पेशल होता है, हर बच्चा खूबसूरत होता है. लेकिन जैसा कि आपने अभी फरमाया कि वालदेन का एक बड़ा अहम रोल है, लेकिन जिस एज ग्रुप की अब हम बात कर रहे हैं या जिसमें हम लर्निंग डिसेबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें टीचर्स का बड़ा अहम रोल है. मतलब बच्चा यहाँ पर तो अभी प्री नर्सरी में भी अभी बच्चे आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे 2 साल के बच्चे भी अब क्रैश वगैरह में जाते हैं, तो टीचर्स का जो रोल है यहाँ पे वो कितना अहम है? टीचर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे टीचर किसी भी लेवल पे पढ़ा रहा है, चाहे वो प्री स्कूल में है, प्राइमरी टीचर है जी, है ना, सेकेंडरी स्कूल के टीचर हैं, या वो हायर एजुकेशन के टीचर हैं, या वो टीचर एजुकेटर हैं. हर एक टीचर का बच्चों की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है. जैसे प्री स्कूल में, अब हमने बात की थी कि डिसेबिलिटी को पहचानने के लिए कुछ अर्ली इंडिकेटर्स होते हैं, तो वो अर्ली इंडिकेटर्स अगर हमारा प्री स्कूल का टीचर्स
उनसे वाकिफ होगा तो वो बच्चों की प्रॉब्लम्स को पहचान पाएगा। जैसे मैं लर्निंग डिसेबिलिटी की ही अगर बात करूं, क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड डिसऑर्डर है, तो बच्चों के जो शुरुआती लैंग्वेज के एस्पेक्ट हैं उसमें बच्चों में हमें कुछ इंडिकेटर्स, कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि बच्चे में लिसनिंग स्किल्स नहीं होंगी, बच्चा जो है वो स्पीकिंग उसकी ठीक से नहीं है। क्योंकि प्री स्कूल में हम क्या कराते हैं, राइम्स करा रहे हैं, स्टोरी टेलिंग करा रहे हैं बच्चों से, थोड़ा कुछ हम ए बी वन टू कुछ इस तरह से, तो बच्चा जो है वो नहीं कर रहा है, बच्चे का इंटरेक्शन नहीं है, आई कांटेक्ट टीचर के साथ में वो नहीं करता है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं, अगर टीचर को लगेगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हम उस वक्त भी बच्चों को की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पे टीचर का खुद पहले अवेयर होना बड़ा जरूरी है? बड़ा लाजमी है। इस बात पे हम जरूर बात करेंगे एक सेहतमंद जिस्म के लिए एक जबरदस्त जो एक्सरसाइज है वो हम योगा के हवाले से भी कहते हैं। योगा के का जो बैन अल-अक़वामी दिन है वो 21 जून को मनाया जा रहा है, उसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हमारे एक छोटा सा सेगमेंट आया चाहेगा। लेकिन अभी नाज़रीन एक छोटे से तजारती वक्फे के लिए रुकते हैं, वक्फे के उस पार आएंगे तो आज की हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं प्रोफेसर डॉक्टर इरम नासिर साहिबा, उनसे सिलसिला कलाम जारी रहेगा। कश्मीर एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। एक और मरतबा इस्तकबाल नज़र मुहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के, और आज हमने खास मेहमान को जिनको अपने स्टूडियो में तशरीफ आवर किया है, ये माहिर तालीम है, ये है मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर इरम नासिर साहिबा। मैम, टीचर्स के रोल के हवाले से बात हो रही थी, इसी को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है टाइमली बच्चे की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अभी जो हमारा RPWD एक्ट 2016 है उसमें 21 डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, उसके लिए NCERT का एक इनिशिएटिव है जिसमें प्रशस्त ऐप उन्होंने बनाई है कि हर टीचर, चाहे वो जनरल एजुकेटर है, स्पेशल एजुकेटर है, वो अपनी तरफ से अपने इनिशिएटिव लेके, अगर उसको लग रहा है बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो वो उस ऐप के जरिए बच्चे की प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उन 21 डिसेबिलिटी में से कौन सी एक सस्पेक्टेड डिसेबिलिटी। इतना आसान है अब टेक्नोलॉजी की मदद से, इतना आसान है। एग्जैक्टली, तो हमारा टीचर का रोल क्या है कि हम टाइमली बच्चे को हम आइडेंटिफाई करें, उसको रेफर करें, उसका असेसमेंट पूरा हो जाए तो टाइमली हम इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि जो बच्चे का डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है, डेवलपमेंटल पीरियड है ना, अर्ली ईयर्स में रैपिड डेवलपमेंट होता है, तो उस पीरियड को हम यूज कर सकते हैं अगर हम बच्चे की प्रॉब्लम को, उनकी डिसेबिलिटी को हम जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर सकें। दूसरा टीचर का काम होता है पढ़ाना। ठीक है, टीचर का सबसे बड़ा मसला होता है कि मेरी क्लास में अगर एक ब्लाइंड बच्चा भी पढ़ेगा, एक हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा भी पढ़ेगा, एक लर्निंग डिसेबल बच्चा भी पढ़ेगा, तो हम उनको कैसे पढ़ाएंगे? तो उसके लिए भी NCERT ने एक बरखा सीरीज बनाई है। ठीक है, जिसमें UDL बेस्ड, हम कहते हैं यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, उसके लिए कुछ लेसन प्लान्स बनाए हैं कि हम हर बच्चे को एक ही क्लास में किस तरह से पढ़ा सकते हैं, जो हमारा आज की एजुकेशन का मोटो है कि वी हैव टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू लर्न टुगेदर। और इंक्लूसिव एजुकेशन का मोटो ही है, इफ वी लर्न टू लर्न टुगेदर वी कैन लर्न टू लिव टुगेदर। तो जो हम एक कहते हैं कि मार्जिनलाइज सेक्शन है, उस मार्जिनलाइज सेक्शन को हम अपनी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में हम इंक्लूड कर सकते हैं बस इन दो एफर्ट के साथ। अच्छा, एक और चीज इस बात से जुड़ी है, क्योंकि अब जो स्पेशल एजुकेशन है ये इस मामले में फिर कैसे काम करता है? अब वहां पर भी तो बच्चे अलग अलग है, कोई विजुअली इंपेयर्ड है, कोई सुन नहीं रहा है, या किसी को कुछ और इशू है, क्या उन बच्चों को भी इंक्लूसिव एक साथ एजुकेशन दी जाती है या उन्हें इंडिविजुअली उसके लिए फिर अलग अलग तरीके से? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है कि हम अगर इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं तो व्हाट इज द रोल ऑफ स्पेशल एजुकेशन। जी बस सही है ना, तो हमें इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बच्चे को प्रिपेयर करना है। तो वो प्रिपेयरनेस कहाँ से होगी, उसमें स्पेशल एजुकेशन का इम्पोर्टेंट रोल है कि अगर एक
विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, तो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे की जो जरूरियात हैं वो है ओरिएंटेशन मोबिलिटी, क्योंकि एजुकेशन का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंस देना है ना, इंडिपेंडेंट सिटीजन बनाना सोसाइटी का जी। तो एक जर्नल टीचर तो बच्चे को ओरिएंटेशन मोबिलिटी नहीं देगा कि वो इस प्रेमिसेस में इंडिपेंडेंटली कैसे मूव करे। आपने देखा होगा कि दे हैव देयर ट्रिक टू वॉक मूव, है ना, वो किस तरह से चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। तो वो जो प्रिपरेटरी चीजें हैं वो हमारा स्पेशल स्कूल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह से हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, उसके लिए साइन लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है। तो साइन लैंग्वेज एक जर्नल टीचर से तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो साइन लैंग्वेज सिखाए, लेकिन हमारे जो स्पेशल स्कूल्स हैं वो बच्चे को साइन लैंग्वेज। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, मजीद बात करेंगे, कुछ और भी जहन में इस्तफसारात हैं जिनके हवाले से आपसे राय जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं अभी अर्ज़ कर रहा था वक्फे से कबल के दो दिन बाद यानी 21 जून को योगा का बैनुल अक्वामी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से एक सेगमेंट आया चाहता है। पहले ये सेगमेंट देखते हैं, उसके बाद जो हमारी आज की मेहमान शख्सियत हैं प्रोफेसर डॉक्टर इरम नासिर साहिबा, इनके साथ सिलसिला कलाम जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को सेलिब्रेट किया जा रहा है, पूरे वादी में यहाँ पे सेलिब्रेशंस हो रही है। और जो इस साल के योगा डे का जो थीम है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। आपको पता है कि योग से वुमेन को कैसे एम्पावर कर सकते हैं, योग से वो योग सीख के खुद दूसरों को सिखा सकते हैं, उनका रोजगार बनेगा। और आज हम जो है वुमेन हेल्थ के ऊपर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो आज हम आपको वो आसन दिखा रहे हैं जिससे हम अपनी जो वुमेन फोक है उनकी हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको पता है बहुत सारी डिसऑर्डर्स वुमेन्स में पाए जाते हैं, आजकल के जो दौर है हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, तो उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं जैसे PCOD PCOS की प्रॉब्लम्स या ओवरवेट या स्ट्रेस मैन या एनजाइटी हमारे वुमेन्स में हो रही है, तो उनको हम कैसे योग के जरिए हम ठीक कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो हमारा आज का जो सेगमेंट है वो एक आसन हम कराने जा रहे हैं जो PCOD और PCOS के लिए और भी बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। उस आसन का नाम है नौकासन। चलिए आज का जो आसन है वो स्टार्ट करते हैं। ये आसन आप लेटने वाला आसन है, तो इसमें आप लेट जाएं, आप बिल्कुल इत्मीनान से धीरे से लेट जाएंगे, कमर के बल ऑन योर स्पाइन। तो धीरे से पहले बिल्कुल अपने बॉडी को तैयार करेंगे आंखें बंद करके, पहले अपने जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको नॉर्मलाइज करके और फिर स्ट्रेच करेंगे मैक्सिमम बॉडी को और धीरे धीरे से अपने आर्म्स को और अपने लेग्स को एक ही समान में उठाएंगे ऊपर की ओर, सांस लेते हुए बिल्कुल जहाँ तक आप जाना चाहते हैं वहाँ तक ही जाएं, अपने कंफर्टेबल जोन में ही रहेंगे। ये आसन जो है ये हमारे जो एब्डोमिनल एरिया के जो मसल्स हैं उनको टोन अप करता है और स्पेशली ये हमारे वुमेन्स की ओवरीज को स्टिमुलेट करता है और उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक करने में बहुत ही बेनिफिशियल है। स्पेशली हमारा PCOD और PCOS की जो प्रॉब्लम्स वुमेन्स में हैं तो उनको हम इजीली इससे मैनेज कर सकते हैं और इसके साथ साथ ये लिवर हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है और पैनक्रियाज को भी स्टिमुलेट करता है। वापस आ जाइए धीरे से। ये जो आसन है ये आप 20 से 25 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं ऊपर और इसकी आप 4 से 5 रेपिटेशंस कर सकते हैं। हर एक रेपिटेशन के बाद में आपने शवासन लेना ज़रूरी है, आंखें बंद करके सांसों को ढीला छोड़ के अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को ढीला छोड़ के मैक्सिमम रिलैक्सेशन करने की कोशिश करनी है, सांसों को बिल्कुल नॉर्मलाइज करके फिर इसके बाद आप दूसरी रेपिटेशन कर सकते हैं, 3 से 6 रेपिटेशन आप रोज कर सकते हैं इसकी। आज का जो आसन था हल आसन, इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी है, अगर किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या बैक से रिलेटेड कोई इशू है तो उसको भी ये आसन जो है अवॉइड करना है। अगर किसी को हर्निया है पेट में या हाइपरटेंशन है एक्सट्रीम तो उसको ये आसन जो है अवॉइड करना चाहिए। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएनके, प्रोफेसर इरम नासिर साहिबा हमारे साथ हैं। तो हम
बात कर रहे थे टीचर्स के रोल की, तो आपने कहा कि बड़ा अहम रोल है टीचर्स का ये आइडेंटिफाई करने में और रिपोर्ट करने में। अब मसला ये है हमारे साथ ये कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में या तो स्पेशल एजुकेटर्स हैं नहीं, बहुत कम हैं। मतलब जिस हिसाब से आपकी जो ऑब्जर्वेशन है या स्टडीज़ हैं, जामिया ने अगर कोई स्टडी की होगी या यहाँ की जो स्टडीज़ हैं उनको आपने पढ़ा होगा, तो कितनी ज़रूरत लगती है आपको यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स की, और क्या ये एक एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन भी बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जैसा आपने मुझसे कहा कि डिसेबिलिटी का की पॉपुलेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, तो वी हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन दिस स्टेट। ठीक है, सेंसिस 2011 की मैं यहाँ पर जिक्र करूँगी तो 3.067 लाख पर्सन हैं जिनको किसी तरह की डिसेबिलिटी है। ये 2011 का है, तो फॉर श्योर ये जो पॉपुलेशन के आसपास तो होगा ही, ये और बड़ा होगा। और हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो रिसर्चेस कहती हैं कि 5-10% ऑफ स्कूल गोइंग पॉपुलेशन इज हैविंग एनी टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इसका मतलब कि वी हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इन आवर सोसाइटी। जी, और सेंसिस का ही ये डेटा है जो ये हमें बताता है कि 15 से 19 साल के बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। उनका 30% इस पॉपुलेशन का ऐसा है जो 15 साल के बाद स्कूल किसी भी तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अटेंड नहीं कर रहा। तो इसका रीजन क्या है? रीजन है कि वी डोंट हैव ट्रेन टीचर्स इन आर स्कूल्स। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, जितनी मैं अपने लोगों से बात यहाँ पर करती हूँ, मुझे लगता है नंबर ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स आर वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द नीड्स। और दूसरे स्टेट्स के कंपैरेटिवली हमारे स्टेट में स्पेशल एजुकेटर्स जो है वो बहुत कम है। उसका एक वजह ये भी है क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज जो हैं शायद स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज ऑफर नहीं कर रही हैं। तो यूनिवर्सिटी का भी एक अहम रोल है कि दे शुड टेक इनिशिएटिव टू प्रोवाइड सच टाइप ऑफ कोर्सेज। जैसे अभी NCTE ITAP कोर्सेज को प्रमोट कर रही है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, वो 4 साल का कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है जिसमें बच्चा ग्रेजुएशन प्लस BEd कर सकता है। इसी तरह से जो हमारी स्पेशल एजुकेशन की बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, वो भी इस तरह के कोर्सेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है, BA BEd BSc BEd BCom BEd इन स्पेशल एजुकेशन। तो मुझे लगता है यूनिवर्सिटी शुड टेक इनिशिएटिव कि वो भी आगे आए और इस तरह के कोर्सेज हमारे बच्चों को प्रोवाइड करें, क्योंकि इतने बड़े तादाद में जब हमारे पास चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है तो हमारे पास स्पेशल एजुकेटर होना भी लाजमी है। ठीक है, मैं अभी पिछले साल का एक हिंदू पेपर की भी एक रिपोर्ट थी जून 2023 की, जिसमें डायरेक्टरेट ने NCPCR और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर है, इन्होंने सबने एक एडवाइजरी सारे स्कूल्स को इशू की है कि आपको इन बच्चों का एडमिशन डिनाई नहीं करना है, है ना। लेकिन इस तरह के केसेस हो रहे हैं, स्कूल्स डिनाई करते हैं और उनकी वजह यही है कि उनके टीचर्स ट्रेन नहीं है। सही है ना। तो सबसे पहली बात कि हर एक स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर का होना जरूरी है। दूसरी बात कि जो हमारे ऑलरेडी अपॉइंटेड टीचर्स हैं उनके लिए हम कुछ इन सर्विस प्रोग्राम्स प्लान कर सकते हैं, जिससे वो ये इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हम प्रोफेशनली कि हम कम से कम जो डिसेबिलिटी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, उनकी नेचर एंड नीड्स, है ना, उनके एजुकेशनल नीड्स को हम जान सकें ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अनअटेंडेड ना रहें। तो एम्प्लॉयबिलिटी की जो आप हम बात कर रहे थे, तो इसमें एम्प्लॉयबिलिटी का स्कोप बहुत ज्यादा है। और अब आखिर में एक बात ये कि आप यहाँ आती हैं, साल में आपने अभी अर्ज किया कि साल में एक बार ही आते हैं, छुट्टियों में यहाँ आते हैं, तो ससुराल के भी हक होते हैं, तो आपका यहाँ का वक्त जो है वो दावतों में ही गुजरता है कि आप यहाँ की जो ये बच्चे हैं जिनको जरूरत है और आपका यहाँ होना उनके लिए एक नेमत से कम नहीं है, तो क्या कैसे गुजारती हैं आप यहाँ पे अपना वक्त? देखिए, यहाँ का वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है, बहुत तेजी से कि पता ही नहीं चलता कि वो महीना कहाँ चला गया। लेकिन तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ जो हमारे टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स मुझसे बात भी करते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होता है, कैसे हम इनको ट्रीट कर सकते हैं, तो उनको साथ में नॉलेज शेयर करती हूँ। प्लस जो हमारे प्रेजेंट जनरेशन है उनको भी मैं यहाँ पर गाइड करने की कोशिश करती हूँ कि दे कैन
हैव देयर कैरियर इन स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि अपने स्टेट में तो चांसेस है ही, लेकिन स्पेशल एजुकेशन का स्कोप बाहर के देशों में बहुत है. इंडियन स्पेशल एजुकेटर्स की बहुत डिमांड है. जामिया के बहुत बच्चे हैं जो बाहर नौकरियां कर रहे हैं, बाहर मुल्कों में, जी यूएई में है, यूएस में है, यूके में है. तो अगर हमारे बच्चे भी स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज ऑप्ट करते हैं इसमें अपना, तो उनके लिए बहुत अच्छा, अच्छे कैरियर ऑप्शंस हैं, तो उनको भी आना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में. तो मैं अक्सर बच्चों को गाइड करती हूँ स्पेशल एजुकेशन के बारे में बताना मेरा फर्ज है यहाँ पर. और जो मैं एटलीस्ट मैं बात करती हूँ बच्चों से, तो मुझे कभी कभी हंसी भी आती है. मैं जैसे 12th क्लास के बच्चों से पूछती हूँ कि आपके बेटा सब्जेक्ट क्या है, तो वो कहते हैं मेडिकल और नॉन मेडिकल. तो उसके अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं, मेड नॉन मेड. मैंने कहा बेटा इसके अलावा क्या आप. तो आपके साथ ये घंटा कैसे गुजरा हमें पता ही नहीं चला. और यकीन करें आपकी बातें जितनी भी जहन में थी सारी बातें हो नहीं पाई. अगली बार इंशाल्लाह आपको दोबारा दावत देंगे इस प्रोग्राम में और मजीद जानेंगे इन मामलात के हवाले से. और हमारी गुजारिश यही रहेगी कि जो बातें अभी आज के प्रोग्राम में हुई नाज़रीन उन पर तवज्जो फरमाएँ, और जो बच्चे स्पेशल नीड्स के हकदार हैं उनको स्पेशल नीड्स ही दें. आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ावरी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया. और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. ये एक घंटा आप हमारे साथ बने रहे. हर सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम पेश किया जाता है डीडी कशिर चैनल से. इस प्रोग्राम को आप यूट्यूब पे भी लाइव और बाद में डेफर्ड लाइव देख सकते हैं. आज की निशस्त से दीजिए मुझे और अशफाक हाफिजी को इजाजत, और आप खुद ईद बड़े जोश खरोश के साथ मनाइएगा. बहुत बहुत शुक्रिया.